वीडियो के थ्रू आपको ये बताऊंगा कि कैसे करके ये वाला मदरबोर्ड जो है ये जो रिपेयरिंग होने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए ये मदरबोर्ड है, ये ऑन कंडीशन में, और आई रीसेट की बात तो मैं आपको रीसेट दिखा देता हूँ। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इसमें रैम भी नहीं आ रही और प्रोसेसर भी हीट हो रहा, जैसी बात है तभी रीसेट बन रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी? तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये मदरबोर्ड रिपेयर नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता, क्या रीज़न है? तो उसके पीछे ये रीज़न है, इस मदरबोर्ड का डायग्राम नहीं मिलता है। और जिस केस में ये फंसा था मेरे पास, उस केस में क्या था कि हम इसे ऑन कर रहे थे, ऑन हो जा रहा था, डिस्प्ले भी दे रहा था। अब क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ऑन करके हम ऑफ़ कर रहे थे तो दोबारा ऑन कर रहे थे तो ये क्या होता था, फ़ैन घूम करके रुक जा रहा था इसका। अभी तो प्रॉपरली घूम रहा है बट उस समय रुक जा रहा था। तो ऐसा क्यों है? तो इसका रीज़न ये है कि इसका डायग्राम वगैरह कुछ नहीं है। जब डायग्राम नहीं है तो हमें रिपेयरिंग करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और इसमें जो फॉल्ट था वो काफ़ी टेढ़ा था, जब मैंने इसमें हीट हाट मारी तो क्या हुआ, ये चिप हल्की सी फूल गई। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, ये आप ये देख रहे हो, ये रीज़न इसका फूल गया। तो इस वजह से अब ये ऑन तो हो रहा है, ऑफ़ होने के बाद अब उस कंडीशन में रीसेट भी आ गया, लेकिन इसमें क्या है, नो डिस्प्ले केस आ गया। तो इसकी ये इसी मारे रिपेयर नहीं हो सकता, इसका डायग्राम नहीं है, और 100 में से 30% चांस ही रह जाते जिसका डायग्राम नहीं मिलता। अब ये जो बायोस्टॉल था ये मैंने कल रिपेयर किया था, इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ ये रिपेयर कैसे हो गया। तो इसका रीज़न ये है कि सपोज़ आपके पास बायोस्टॉल का ये वाला मदरबोर्ड आया और आपके पास नहीं मिल रहा है, तो आप ये देखोगे तो इसमें नोटिस करोगे आप में, इसमें PMW इसमें और इसमें सेम लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो क्या बोलते हैं, लगभग आपको कुछ चीज़ें सेम नज़र आ जाएगी इसकी। तो इसमें थोड़ी बड़ी आयु लग रखी है, इसमें छोटी वाली लग रखी है। तो अगर इसका अब इसमें क्या था, प्रोसेसर हीट नहीं हो रहा था। अब प्रोसेसर हीट नहीं हो रहा था तो जब मैंने ट्रेस किया तो इसका तो डायग्राम ओरिजिनल मिला ही नहीं, तो मैंने दूसरे का देख करके रिपेयर किया। अब ये तो रिपेयर हो गया, इसमें देखिए आप, ये ट्रांजिस्टर जो थी ये ख़राब थी, ये निकाल दी मैंने, अब ओके चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। चाहूँ तो मैं दूसरी लगा दूँ, लेकिन दूसरी के लिए ट्रैक करना पड़ेगा इसे। तो अगर जैसे जिसका डायग्राम मिल जाता है वो तो ईजिली हो जाता है, लेकिन जो जिनके डायग्राम नहीं मिलते वो रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है, जैसे अब पहले हम इसे चला जैसे चल रहा था कोई दिक्कत नहीं, अब हिट मारने से ये नो डिस्प्ले के केस में आ गया, और ये जो था ये मेरा ही फॉल्ट था। अगर मैं इसे मैं कम हीट मारता तो ये डिस्प्ले भी देता, चलता भी। तो ये वाला बोर्ड मैं दिखा रहा था आपको, ये तो ईजिली हो गया रिपेयर। देखिए आप ईजिली क्या, इसके लिए मुझे इसके डायग्राम निकालना पड़ा इस वाले मदरबोर्ड का। तो इनकी PMW सेम थी तो उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ इसमें दिक्कत है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग।